हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज अ कांस्टेंट करंट आई। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट सच दैट बी नॉट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप विल बी। सो की कंसेप्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट विल बी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स कितना होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो कि प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में? इट इज एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी बी है वो है मैग्नेटिक फील्ड, आई है करंट इन द कंडक्टर, एल है हमारा करंट एलिमेंट, एल इज आर करंट एलिमेंट, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, आई है हमारा, आइए यहाँ पे हमारा करंट इन कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स होता है वो आई इंटू एल क्रॉस बी होता है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सर्कुलर लूप है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है। तो लेट्स सपोज ये हमारा एक सर्कुलर लूप है एंड कैरीज करंट आई। तो इसमें एक करंट फ्लो रहा है आई और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसकी? बी नॉट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इसकी बी नॉट और बी नॉट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। तो हमने बना दिया परपेंडिकुलर। यहाँ पे इसका एल वेक्टर लिखना होगा हमें। एल वेक्टर का क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये है एक सर्कुलर लूप और इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है? सेम है। सो करंट एलिमेंट यानी कि एल वेक्टर इज जीरो फॉर सर्कुलर लूप। सो फोर्स कितना हो जाएगा इस पे? लूप पे जो एक्ट कर रहा है दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। सो आवर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।